हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजे एजुकेशन पॉइंट। आज अपन इस वीडियो के अंदर कुछ साइंस के स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में शायद आपको पहले पता ना हो। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपने आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखते हैं सबसे पहला फैक्ट क्या है। देखिए, सबसे पहला फैक्ट है द सन इज मोर देन 3 लेख्स टाइम्स लार्जर देन द साइज ऑफ अर्थ। देखो, सन है वो अर्थ से 3 लेख टाइम क्या है, ज़्यादा बड़ा है। इसका मीन्स क्या हुआ कि अर्थ है, मतलब क्या हुआ कि विच मीन्स 1 मिलियन अर्थ कुड फिट इन साइड द सन। मतलब सन के अंदर 1 लाख अर्थ हैं वो फिट हो सकते हैं। देखो, ये अर्थ है इतनी बारीक सी और ये सन है, तो ऐसी 1 लाख अर्थ हैं वो इसके अंदर फिट हो सकते हैं। मीन्स सन है वो 3 लेख टाइम ज़्यादा बड़ा है किससे, अर्थ से। सेकेंड फैक्ट के बारे में देखते हैं। देखो क्या है सेकेंड फैक्ट, स्पेस इज एब्सोल्युटली साइलेंट इज देयर नो एटमोस्फियर फॉर साउंड टू ट्रेवल थ्रू। मीन्स क्या हुआ कि स्पेस है वो कम्प्लीटली साइलेंट है, वहाँ पे कोई भी एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं होती है। आवाज़ क्यों नहीं होती है, एनवायरनमेंट नहीं है इसलिए। तो आपको ये सुनकर बिल्कुल आश्चर्य होगा कि वहाँ पे कोई भी आवाज़ एक दूसरे की बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। इसलिए नहीं सुनाई देती है क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है। इसका कारण क्या है, देखिए कारण ये है कि अपनी जो आवाज़ है उसको चलने के लिए, उसको मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनवायरनमेंट की, एयर की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट एयर या मीडियम के बिना कोई भी अपनी आवाज़ या वॉल्यूम है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती है। तो देखिए, पूरा अंतरिक्ष एकदम शांत है क्योंकि आवाज़ की यात्रा करने के लिए वहाँ कोई मीडियम नहीं है। मीन्स कि अपने अगर अर्थ पे भी अगर मीडियम मतलब हवा और एयर वगैरह नहीं हो तो अपने अर्थ पे भी एक दूसरे की आवाज़ अपन को सुनाई नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो। इसलिए स्पेस में कोई एयर नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भी बोले चाहे कितनी भी आवाज़ तेज हो वो एक दूसरे को सुनाई नहीं देती है बिल्कुल भी। स्पेस एकदम से साइलेंट है। थर्ड देखते हैं, थर्ड बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है थर्ड के अंदर, द मून डजेंट इमिट एनी लाइट ऑफ इट्स ऑन। देखो, आपको अगर पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि चांद है उसके पास अपनी कोई भी तरह की रोशनी नहीं होती है। चांद के पास सिर्फ एक ऐसे ही वो एक क्या है, कांच की तरह होता है, जैसे कांच पे अपन कोई लाइट डालते हैं तो वो चमकता है। तो चांद भी एक इसी तरह से है, ग्लास की तरह, उस पे सूर्य की रोशनी गिरती है तब वो चमकता है, वरना नहीं चमकता। अगर सूर्य नहीं हो तो चांद भी नहीं चमकेगा। चांद के पास खुद की कोई भी रोशनी नहीं होती है, वो अपने आप कभी भी नहीं चमकता है। तो इसीलिए देखो क्या होता है, सन होता है उसकी रोशनी गिरती है किस पे, मून पे। तो जितनी दूरी पे मून पे वो गिरती है उतनी ही लाइट रिफ्लेक्ट हो पाती है। इसलिए आपने देखा होगा कभी मून छोटा होता है कभी बड़ा होता है। और जो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होते हैं, वो सूर्य इसी कारण होते हैं। अगर उसके बारे में भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से बता दूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि मून के पास अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है। देखो एक चीज़ और बता दूं, मून की लाइट है वो अर्थ पे आने में 1.25 सेकेंड का टाइम लेती है, लेकिन सन की लाइट है, सन की रोशनी जो सन से लेके अपन अर्थ तक पहुंचती है, उसको कितना टाइम लगता है मूव करने में, 8 मिनट और 19 सेकेंड। कहीं पे आपको 20 सेकेंड भी मिलेगा, लेकिन लगभग 8 मिनट और 19 सेकेंड का टाइम सन की रोशनी को अर्थ तक आने में लगता है। मतलब सन से उसकी रोशनी निकलती है और वो पृथ्वी तक आती है, तो उसको इतना टाइम लगता है रास्ते में आने में। अब फिफ्थ देखो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, एफिल टावर कहाँ पे है, पेरिस में, जो इस पेरिस क्या है, कैपिटल है फ्रांस की। तो एफिल टावर है वो क्या होता है, गर्मियों के दिनों में 15 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। एफिल टावर पूरा आयरन मेटल का बना है, एक तरह से आयरन का बना है, और वो गर्मियों के दिनों में 15 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बढ़ जाती है। एफिल टावर की लंबाई लगभग देखिए तो 324 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई 100 करने पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 324 मीटर इसकी लंबाई है। और ये अगर इसको देखें तो गर्मियों के अंदर ये 15 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका कारण क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यही है। देखिए इसका क्या कारण है,
एफिल टावर कैन ग्रो अप टू 15 सेंटीमीटर टॉलर ड्यूरिंग हॉट पेरिसियन समर डे, मतलब पेरिस के अंदर गर्मियों के दिन होते हैं वहाँ पे 15 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बढ़ जाती है अपने आप और सर्दियों में वापस कम हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है कि कोई भी मेटल गर्म होती है तो वो फैलती है, गर्म होने पर वो अपनी मतलब क्या होता है फैलती है, वो एक तरह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। देखिए क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन, वेन इस सबस्टांस इज हीटेड अप इट्स पार्ट टिकल्स मूव मोर एंड इट टेक्स अप ए लार्जर वॉल्यूम, दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए आगे, वेन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इच पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी मूव फास्टर एंड टेक अप मोर स्पेस, मोस्ट लार्ज स्ट्रक्चर सच एज ब्रिज आर कंस्ट्रक्टेड विथ दिस प्रिंसिपल इन माइंड सो देन कैन एक्सपेंड द कंस्ट्रक्ट लिटिल विदाउट एनी ब्रेकिंग। अब देखिए इसका मेन चीज क्या है, गर्मियों में कोई भी मेटल है वो फैलेगी और सर्दियों में वो क्या है सिकुड़ती है एक तरह से। इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे ब्रिज बनाए जाते हैं उनमें गैप छोड़ा जाता है, जैसे दो पिलर हैं उनके बीच में अपने घर पे जो लाइट आती है उसके बीच में जो वायर हैं मेटल के उनको ढीला छोड़ा जाता है, एकदम खींच के नहीं लगाया जाता है, रेल की जो पटरियाँ डाली जाती हैं उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि ये सारे मेटल होते हैं वो गर्मी लग के फैलते हैं और सर्दियों में सिकुड़ते हैं, तो गर्मियों में ये सिकुड़ेंगे तो टूट नहीं जाएँ इसलिए इनके बीच में गैप छोड़ा जाता है, थोड़े से लूज छोड़े जाते हैं। तो देखो एफिल टावर भी इसीलिए क्या होता है, इस गर्मी से वो मेटल फैलता है इसीलिए वो 15 सेंटीमीटर लंबा और हो जाता है और सर्दियों के दिनों में अपनी नॉर्मल स्थिति जितनी उसकी स्थिति है उतनी स्थिति में ही रहता है। तो देखो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, मेरे को लगा कि आपको बताने चाहिए इसलिए मैंने आपको बताया है। तो स्टूडेंट्स ये आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।